Your name stands a lot. तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक नए ब्रांड न्यू कमाल एपिसोड में। और फिलहाल कमाल से ज्यादा यहां पे हम बात कर रहे हैं वाव की, बिकॉज मैं वाव में खड़ा हूं इनफैक्ट। और मैं आ गया हूं यहां पे सैमसंग ओपरा हाउस टू एक्सपीरियंस द न्यू वाव फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सैमसंग। और भाई ये बहुत ज्यादा बड़े वाव की हम बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट 65 इंचेस, 75 इंचेस, 85 इंचेस। अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट सैमसंग हैज टू ऑफर इन देयर लेटेस्ट नियो क्यूलेट 8K लाइनअप। आज इवेंट है, बहुत मजा आने वाला है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओपरा हाउस की जो वाइब है ना, वो हर बार मतलब यू नो व्हेनेवर यू कम ये एक अलग फ्लेवर लेके आते हैं। बताते हैं दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट द फोन्स, ये दो महीने पहले हम कर चुके हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर आई मीन द बिग वाव। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, द इवेंट इज अबाउट टू स्टार्ट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। आई एम टेकिंग माई प्लेस हियर एंड लेट्स सी कि सैमसंग क्या करने वाला है अभी, बिकॉज ये मैं आज कलर भी सैमसंग वाला पहन के आया हूँ, लाइक यार लेट्स बी इन सिंग। लेकिन यहाँ पे देखो तो सैमसंग के सब लोग व्हाइट पहन के घूम रहे हैं, मैंने कहा यार ये तो पंगा हो गया है, बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि क्या होता है इस वाव में। इतना बड़ा स्क्रीन, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। Ladies and gentlemen, first up, thank you so much for being a part of this momentous occasion. And welcome to the One Samsung Experience, the Samsung Opera House. Hello, welcome to Unbox and Discover 2023. Samsung has been deeply invested in India over the last 2.5 decades. We are really excited to share with you our innovations and the latest masterpiece. This Neo QLED 8K range starts from 3,15,000 rupees. And it is such a great pleasure to the launch of the revolutionary latest range of Samsung televisions, the Neo QLED 8K 2023 series. Ladies and gentlemen, get those cameras out, capture this moment and really make it yours. This truly is a more wow than ever experience. Removed all compromises this time around. So even in 8K, you will get a 98 inches. Yeah. So there is no compromise. So I know where your question is. And then we have the wall, of course. And then of course we have the wall. Yeah, yeah. तो गाइस देखो, इवेंट जो है उसका पूरा मजा हमने उठा लिया। अगर आप देखोगे पीछे तो सबसे बड़ी बात तो यही लिखी है, मोर वाव देन एवर। मतलब सैमसंग ने वाव स्टार्ट किया और अभी बातें हो रही है कि भैया और ज़्यादा वाव हो गया है, हमेशा जो हमने देखा था उससे कहीं 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 और ज़्यादा। एंड भाई इट्स डेफिनेटली द केस, बिकॉज इवेंट में जिस तरीके से हमने देखा कि यू नो नया नया पूरा टीवी का लाइनअप आ गया है, 8K टीवी को, बिल्ली कितनी क्यूट लग रही थी भाई, तो वो सारी बातें हुई। इवेंट वॉज ऑल एक्साइटिंग, वी गॉट टू नो अबाउट जो नए नए टीवीज लॉन्च हुए हैं। मतलब 8K टीवी 98 इंचेस तक जा रहा है, एंड आई मीन द लाइनअप इज़ बहुत ज़्यादा क्वाइट वर्सेटाइल फॉर आई थिंक सबकी नीड्स के लिए। गेमिंग वाले जो नए नए फीचर्स आ गए हैं ना, वो बहुत ही एक्साइटिंग है, तो वो सब चीज़ें हो गई हैं। और अभी पोस्ट इवेंट भैया, मैं ही हूँ आपका दोस्त, मैं ही हूँ आपका होस्ट, और ये मेरा ही स्टेज है, और यहाँ का जयकांत शिकरे मैं ही हूँ। इवेंट जो है वो पूरा ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। पीछे हमारे पास में ना काफ़ी अलग अलग जोन्स बनाई हुई हैं, जहाँ पे गेमिंग के लिए जोन है, वो मतलब काफ़ी एक्साइटिंग है, जहाँ पे गेमर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे से पूरा सेटअप बनाया हुआ है कि भाई हाउ एग्जैक्टली हम इस 8K टीवी में गेमिंग का मजा उठा सकते हैं। इसके अलावा IoT वाली जोन या नॉर्मल टीवी की जोन, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर शोकेस पे हैं। और पीछे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी ऐसे आपको पूरी हलचल दिख रही है इस टाइम पे इवेंट की। मैंने इंट्रैक्शन भी किया विद मोहनदीप टू यू नो आस्क मोर अबाउट द टीवी, काफ़ी सारा मज़ा आया। और यार मेरे को बस वेट उस दिन का है, सैमसंग का वॉल जो है वो आता है, आई नो इट्स 246 इंचेस का बहुत बड़ा टीवी, बट अगर आप इसको देखोगे सो इमेजिन कभी आपके पास में ऐसा एक स्क्रीन लगा हो, आई मीन बहुत सारे पैनल्स हैं जिनको जोड़ के ऐसा स्क्रीन बनता है,
But just imagine the day. Right now we're talking about 8K TV, 98 inches. It's fine. आपके लिए उसका वीडियो भी आएगा बहुत 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 जल्दी आएगा because I have been enjoying that TV पिछले कुछ टाइम से और जो पूरा bezel-less experience है ना भाई बहुत next level है. काफ़ी sleek design है with all the smart features. But just imagine. कोई दिन तो हो अगर कि हमारे पास में ऐसा टीवी हो और सोचो उसके बाद में हमारे पास में हो अच्छा सा कंटेंट तो देख के क्या मज़ा आने वाला है. वैसे अगर हम चलते हैं ना मैं आपको इस तरफ अगर दिखाऊं तो द वे इट्स डन इट्स क्वाइट यूनिकली अरेंज्ड बिकॉज मतलब आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ओपरा हाउस कि नॉर्मली इट्स अ स्टोर. ये सैमसंग का सबसे बड़ा स्टोर है और काफ़ी अच्छे से लेड आउट है. ये पहले एक्चुअल में एक ओपरा थिएटर हुआ करता था. आपको ऊपर इसकी बैल्कनीज वगैरह मतलब लोग बैठते थे स्टेज था सब कुछ था बट अभी ये स्टोर में ट्रांसफॉर्म हो गया है. आई मीन इसकी अपनी एक हिस्ट्री आती है बहुत एक यू नो 100 साल से ऊपर की हिस्ट्री है जहाँ पे अगर हम बात करते हैं द वे इट्स डन. सो वैसे तो ये मोबाइल स्टोर है बट अभी अगर हम एक इवेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो सैमसंग जिस तरीके से इसको यूज़ करता है ना गाइज ये काफ़ी अच्छा लगता है. मतलब अगर आप आओगे ना तो यही स्पेस है इसी में ही हम लोग जो हैं वो लास्ट टाइम आए थे सैमसंग गैलेक्सी S23 के लॉन्च के लिए यहीं पे ही यू नो सब कुछ चीज़ें जो मैं देखा था वो सब थी. और अभी वी टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स द लेटेस्ट सैमसंग न्यू क्यूलेड 8K और मैं आपको एक्सपीरियंस जोन दिखाता हूँ. दिस इज इट गाइज ये है द लेटेस्ट न्यू क्यूलेड 8K गाइज. मैंने घर पे इसी को ट्राई किया है पिछले कुछ दिनों से और जो एक्सपीरियंस है इसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमाल है. एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरा जो पहला 8K टीवी था वो 2019 में था वो भी सैमसंग का ही था. वो उस टाइम पे 82 इंचेस का था. स्टार्टिंग फ्रॉम देयर वो थोड़ा उस टाइम पे हल्का सा मोटा हुआ करता था बट टुडे इफ़ यू सी इट्स लाइक ओनली दिस थिक. एंड स्टैंड अगर आप हटा देते हो इफ़ यू जस्ट यू नो कीप इट अगेंस्ट द वॉल तो इट लुक सो स्लीक एंड स्पेशली विद द न्यू स्लिम वन कनेक्ट बॉक्स. ये सैमसंग का ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जहाँ पे जस्ट अ सिंगल केबल फ्रॉम द टीवी टू दिस बॉक्स और इस बॉक्स को आप दूर भी रख सकते हो. पावर आपके सारे इनपुट आउटपुट सब चीज़ें केवल उस एक केबल से आती हैं तो दिस इज़ क्वाइट अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसके अलावा ना द बेस्ट पार्ट इज कि वी हैव नॉट जस्ट दिस वी हैव इवन मोर ऑप्शंस. ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसको ना मैंने अपनी लॉबी में रखा है घर पे बिकॉज इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट. ऐसा लगता है कि आपने किसी पेंटिंग को रखा है तो सेरिफ जो है इट इज़ लाइक आप इसको रखो देखने में लग रहा है इतना कूल सा है. और यहाँ पे इफ़ यू पुट ऐसा कुछ यू नो इंटरेस्टिंग सा हाई एंड वाला आर्ट पीस तो देख के लगता है कि भाई ये तो कोई ऐसा मजनू भाई वाली पेंटिंग लगाई है आपने. और पीछे अगर आप देख रहे हो आपको लग रहा है कि मोनालिसा जो है ये पेंटिंग है नहीं पेंटिंग तो फ्रांस के म्यूजियम में है बट ये एक्चुअल में एक टीवी है. इनफैक्ट ये जो है ये भी टीवी है. दिस इज़ द सैमसंग फ्रेम लाइनअप. ये इधर सेरो है फॉर ऑल द पीपल हु लव काइंड ऑफ नो वर्टिकल कंटेंट तो आप इसी को पूरा ट्विस्ट कर सकते हो टू वॉच द वर्टिकल स्टफ. तो बेसिकली द आइडिया इज कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द न्यू क्यूलेड 8K ऑफ कोर्स यू नो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इट बट अपार्ट फ्रॉम दैट द काइंड ऑफ लाइनअप सैमसंग हैज बीन ऑफरिंग सिंस ईयर्स यार. मतलब सेरिफ सेरो फ्रेम देखो ना यार आपको लग रहा है क्या वो टीवी है. मतलब कोई भी पागल हो जाएगा. और अच्छी बात यह है कि यू नो विद ऑल दीज वुडन बेजल्स वो एक्चुअल में एक फोटो फ्रेम की तरह ही लगता है. तो ये सारे ऑप्शंस के साथ में नो वी हैव बीन ग्रोइंग एंड नाउ एज आई सेड विद द लेटेस्ट न्यू क्यूलेड 8K ये फॉर एग्जांपल एक 4K मॉडल है. दिस इज 98 इंचेस. मतलब आप अपने हाथ फैला लोगे ना तो भी मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा निकल के आता है. अगेन एज आई सेड गेमिंग के लिए तो यहाँ पे दिस इज द न्यू टीवी सेटअप अगेंस्ट द वॉल. And look how sleek it looks to begin with. And यहाँ पे especially with this new, you know, वो control bar जहाँ पे gamers के लिए specific options हैं to change maybe the screen aspect ratio, to use the mini map का zoom वाला option. आपको 21:9 में game खेलना है या wide screen आपको चाहिए या you know एक बीच में virtual aim point भी आ जाता है. तो this is just the feel. मेरा PS मिसिंग है यहाँ पे. दे आर यूज एन Xbox. आई लव PS बट देन अगेन डजेंट मैटर विच कंसोल यू हैव या अगर आपने इसको अपने PC से कनेक्ट किया है यू कैन एन्जॉय एकदम पूरा ऐसा हाई एंड गेमिंग का मजा विद दिस न्यू क्यूलेड 8K. आई थिंक ऑन द अदर साइड वी हैव द सेटअप जहाँ पे टॉकिंग अबाउट एक IoT के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू टॉक ऑफ अ लिविंग रूम सो दिस राइट हियर अगेन पेयर्ड विद द Q Symphony बार. मतलब द वे इट्स डन
कि आप अपने लिविंग रूम में बैठे हो जहाँ पे हमारे पास में स्मार्ट डिवाइसेज हैं, हमारे पास में हमारा क्लीनर है, हमारे पास में फ़ोन हो गया है, स्पीकर्स हो गए हैं, लेकिन वो मल्टीपल थिंग्स कमिंग टुगेदर, तो ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। यू कैन सी आपकी लाइट्स वगैरह, आपका एयर ड्रेसर, स्मार्ट टैग्स, यू नो, फैमिली हब, मॉनिटर्स वगैरह एंड ऑल, तो दिस टीवी बिकम्स द हब फॉर योर IoT। तो यार मेरे ख्याल से देखो बातें करने को गाइस बहुत सारी हैं, मतलब जितना हम बोलेंगे उतना कम है भाई। टॉकिंग ऑफ द लेटेस्ट टीवी, ऑल द डिटेल्स जो है वो लेके आऊँगा आपके लिए इन द न्यू नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे आई विल शो दिस टीवी एट माई प्लेस। मैं उसको पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मज़े का एक्सपीरियंस है। आई हैव गॉट 85 इंचेस वाला 8K वाला जो वेरिएंट है अभी Q900C, तो उसका आपको पूरा वीडियो मिलेगा। बट अभी के लिए दिस वॉज ऑल अबाउट द इवेंट कि कैसा हमने देखा, एंड दिस वीडियो वॉज डेफिनेटली मोर वाव देन एवर। तो ये है भाई ओपरा हाउस का पूरा सीन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू वांट टू से एनीथिंग नीचे कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज इट्स ऑलवेज फन कि जब भी मैं ऐसे इवेंट्स में आता हूँ, यू नो, व्हेनेवर वी गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ अ लॉन्च इवेंट, मैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे सीधा अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।